मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love अब एक दो हफ्ते तू मेरे साथ रहेगी तू दो चार अपने अच्छे अच्छे जोड़े ले और ये रक्षे में बैठ के सीधी आ जा नहीं ना गुल्लू आज तो मेरी शूटिंग है और तुझे पता है इतने मुश्किलों से रोल मिला है मुझे ओ खड्डे में डाल शूटिंग को ताल्लुक टूटने का इतना दुख हुआ तुम्हें क्या नीलू मैं तुझसे प्यार जो करने लगा क्या सर वो मुकाबले पर कौन है सुन रही हैं आप इनको मेरे बताने से 100 बार याद हो गया आपको ना हो सका याद बात बोल तू ना बड़ी खूबसूरत है जब तुम मेरे मुकाबिल होते हो गोया एक खींच के दूंगी ना मेरा रूम रूम नाचने लगता है मैं गुड़ नहीं खाती मैंने कभी जिंदगी में गुड़ नहीं खाया पर अरे मेरी बात का जवाब दे दिया किस बात का मैंने बोला ना कि तू खूबसूरत है अरे इस सवाल का क्या जवाब होता है मंजिले मैंने थैंक यू बोल तो दिया अब इसके बाद मैं क्या कहूँ जब कोई किसी को बड़ा कहे ना तो बदले में वो भी उसको अच्छा कहे कहे कि ना कहे तो मैंने तारा को गलत बोला ना तो भी तो मारे को अच्छा बाबा तुम भी खूबसूरत हो अच्छा ठीक है सोनिया चाय ला दो कैसे खाते बहुत अच्छा है कसड़ी है देसी रिक्शा ही गुजर जाए अरे दिलदार भाई सलामुअलैकुम बाजी वालेकुम अस्सलाम दिलदार भाई मुझे दो तलवार तक छोड़ दो ना उस दिन की तरह क्यों नहीं आज तो हम तुमको तुम्हारा घर तक छोड़ सकता है हम आज इतना खुश है क्योंकि तुमने हमारा पूरा 2000 रुपए बचवाया मैंने कैसे बचवाया हमने नया मोबाइल लिया है ना उस कर्जदार का पैर फोन आया था हमने मोबाइल तोड़ा नहीं बंद कर दिया क्योंकि तुमने ऐसा बोला था हमको अच्छा हम आगे चल के बात करते हैं ना दिलदार भाई सही है यहाँ से निकलते हैं चलो बैठ गया चले चलो कौन ओ आप क्या आपने मुझे नहीं पहचाना पहचाना नहीं आपने मुझे क्या हमसायों की बीवी तुझे नहीं पहचानूंगा मैं क्या मैं वाकई में मेकअप में इतनी खूबसूरत लग रही हूँ मिस वर्ल्ड जैसी कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे काय की मिस वर्ल्ड जितना मर्जी मेकअप थोप लेना थोबड़ा तो वही रहता है ना
और क्यों किया तूने बनाओ सिंगार? लो तुम्हारे लिए किया कि शाम को तुम घर आओ तो तुम मेरा चेहरा देख के फ्रेश हो जाओ। अबे शौहर के लिए काहे का बंदा समझना, तू तो घर की चीज है, दिमाग चल गया तेरा? लो तुम्हारा दिमाग और मैं तो नहीं चल गया, कब्बे खा के आयो क्या? बनाओ सिंगार तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो पड़ोसी आदमी के लिए करूंगी। हाँ हाँ यार दिमाग तो वाकई सरक गया, जब से वो साला आया ना इतना टफ टाइम दे दिया ना मुझे। यार तुम साले नहीं भाई की बात कर रहे हो। मंजला आया था जब? हाँ मंजला आया तो खूब नहा धो के नए कपड़े पहन के सुरमा लगा के निकला है। हाँ मुसीबत है, मैंने किस कमबख्त ने उस मनुज को डायरेक्टर बना के बिठा दिया था मेरा टेस्ट लेने के लिए। पर बंदा कह रहा है सामने से कि हुमायूं सईद को बुला लाओ, हुमायूं सईद को बुला लाओ, मैं बोल दूंगी, देखो फिर कैसे बोलती हूँ, बुला भी नहीं रहा, वो बस बोले चले जा रहा है, बोले चले जा रहा है। एक तो इतनी मुश्किल लाइने और मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, उसके बावजूद भी गेट आउट बोल दिया। फोन आ गया। हेलो यार तुम अभी फोन रखो, मुझे बात करने का मूड नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अभी कोई नहीं, बाद में कर लेंगे बात, क्या हो गया? इस ऑडिशन में जितने भी लोग आए थे उनमें से किसी ने खास कोई टेक शेक दी नहीं, जितना मैंने गौर किया वो बंदा मुझ पर बड़ा ध्यान दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुमायूं ने से खास बोला हो कि फरजाना मुस्तकीम जो आए तो उसकी टेक ओके होनी चाहिए, तो शायद इसीलिए वो हाँ कहीं हुमायूं के दिल में कुछ आ तो नहीं गया मेरे लिए। मुझे तो दाल में काला लग रहा है कट्टू। चलो अंदर चलते हैं, कुछ उम्मीद तो बाकी है। गरीब और मेरी बाहों में समा जा। ये क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? देखो अगर तुम शर्मा रही हो ना तो मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम तकब्बुर कर रही हो ना तो सुनो, गौर से सुनो, एक तुम ही मेरी फैन नहीं है, तुम्हारे अलावा लाखों लड़कियों के दिलों में बसता हूं, इसीलिए तो लोग मुझे कहते हैं सल्लू सुल्तान। सुल्तान पक्का शैतान, जिसकी घर में दो कौड़ी की औकात है, दो कौड़ी की। अरे भाभी ये तो तुम लोगों ने बना रखी है ना, बाहर जाकर देखो जरा। हाँ हाँ तू तो निकलता है घर से लोग तेरे लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं ना, और लड़कियां तेरे पीछे प्लेट में दिल लिए घूमती है कि सुल्तान साहब हमारा दिल ले ले। रेड कार्पेट ना भी बिछाए जाते हो लेकिन लड़कियां अपना दिल जरूर पेश करती हैं। अब तुम अनारकली को ही देख लो, वो तो घर तक चलकर आ गई ना। अरे हाँ मैं तुझसे अनारकली तो बात करने आई हूँ। क्या बात करने आई हूँ? देख तू ना उससे जल्दी से शादी कर ले सुल्तान। देखो भाभी अनारकली बहुत अच्छी लड़की है लेकिन मुझे बनना है फिल्मों का हीरो, तो मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी करूंगा ना जो मतलब किसी फिनांसर फिनांसर की बेटी हो, जो पैसा लगा सके, सरमाया लगाकर मुझे फिल्मों में हीरो ले सके। ओहो हो फाइनेंसर की बेटी तुझ में क्या देखेगी, है क्या तेरे पास? घर की मुर्गी दाल बराबर, मुस्तकबिल को इतना बड़ा आर्टिस्ट हूं मैं, अब तुम्हें क्या पता। ओहो बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, मैं भी किसके साथ मगजमारी करने बैठ गई, छोड़ू का सत्यानाश कर।
मेरे पास हुस्न है, रंग रूप है, अदाएं हैं, और अदाएं भी ऐसी कि सारा जमाना मर मिले। इस टाइम कौन आ गया? ऊपर से मैंने मेकअप भी किया हुआ। अनारकली, आराम से, आराम से। अरे टूटा टूटा अब्बा। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो गिर तो नहीं जाओगे? अरे अगर मुझे तख्त तक ले जाओगी तो क्या कयामत आ जाएगी बलिच लगा के? आए हाय, वहां से यहां तक ले आई तो तख्त तक नहीं ले जाऊंगी। चलो दरवाजा बंद कर लेना। नहीं, तबीयत अब तो काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र, काफी ठीक हो गई है तबीयत। ये तूने इतना बनाओ सिंगार, ये मेकअप वगैरह क्यों किया हुआ भाई? वो मैं घर में अकेली थी ना, इसलिए सोचा मेकअप प्रैक्टिस कर लूं। सच बता, कहीं गई तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं अम्मी, कसम से। अच्छा छोड़ो, मुझे खुशी मनाने दो, मेरे अब्बू घर आए। अभी खुश नहीं मैं, अभी नहीं, अभी खुशी नहीं। जब मैं खुशियां मनाऊ ना, जब खुशी मनाइयो तू। तो अब्बू आप कब खुश हो? अरे उसका पता लगा के जिसने मुझे झूठ झूठ पिटवाया है, बिलिच लगा के बदला ले अम्मा, मैं बदला। मेरे जी में ठंडक नहीं पड़ेगी, जब मेरे जी में ठंडक पड़े तब खुश होइए तू। अरे तब तो और खुश हो लेंगे। मान से अब्बू, आपके बगैर घर इतना सूना पड़ गया था। बिल्कुल मेरी जेब की तरह, मेरी जेब इतनी सोनी हो गई है, अरे 25-30 हजार के नीचे आ गया हूँ मैं। पढ़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं उसको, देख लेना मैं, बिल्कुल ऐसा बताऊंगा बिलिच लगा के, नहीं छोड़ूंगा, देख लेना बिलिच लगा। आए 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 आए, अब यही बैठे रहोगे या मुझे बिस्तर तक लेके चलो? चलो मैं चलती हूँ। तेरी माँ यहाँ से पकड़ती है ना, ऐसा लगता है किसी ने मुझे कैद कर लिया। ये लो फूफा चाय। थैंक यू। ये क्यों उठा लिया? अगर फूफा हुमायूं सईद आया ना तो मैं टीवी बंद कर दूंगा। अच्छा, तेरा कसूर नहीं है बेटा, ये इस किस्म के जो घटिया जो हरकत जो तू करेगा ना, नीच लोग होते हैं, जलील लोग, चीप लोग होते हैं। चीप क्या होता है? जैसे तू होता है चीप, घटिया, नीच लोग, नहीं समझता। ये ऐसे लोग जो है ना, किसी बुरे नाम के बंदे को, मशहूर बंदे को या दुश्मन बना लेंगे या दोस्त बना लेंगे, इसलिए कि लोग बोले अरे इसकी उससे दुश्मनी चल रही है, अरे इसकी उससे दोस्ती चल रही है। अबे हुमायूं सईद के फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि मेरा रकीब होटल में जो है सलवार के ऊपर बनियान पहने घूम रहा। तो हुमायूं सईद के फरिश्तों को ये पता होगा कि तुम्हारी लोंडिया उसको चाहती है? ऐसा झापड़ मुंह पे खींच के दूंगा ना कि कुर्सी समेत नीचे जाएगा, घटिया इंसान, खबरदार जो होटल के अंदर मेरी बेटी का नाम लिया था। ये तो पापा घर बुला लो ना, आराम से बात करेंगे। तेरे से कहा था ना कि तू अपनी औकात में रह। अबे वहां बात बढ़ती चली जा रही है, आज दूसरी मर्तबा कट्टो गई है तुम्हारे सईद के ऑफिस। हाँ तो कल मैं क्लिफ्टन वाले शॉपिंग मॉल में गया था, तो मैं कुछ खरीदने गया था क्या? अबे छिछोरे, ये शॉपिंग मॉल में तुम्हारे जैसे लोग जो है ना शॉपिंग के लिए नहीं जाते, सिर्फ घूमने के लिए जाते, क्योंकि वहाँ फैमिलीज आई होती है, ताड़ा ताड़ी हो रही होती। पाप मौजू से ना हटो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कट्टो को बहुत खुश रखूंगा। मैं बहुत ही बेगैरत आदमी है, यानी तुझे पता ही नहीं है, तू समझ रहा है मैं तोल रहा हूँ और एक साइड नीचे और एक साइड ऊपर चल रही है, मैं बोल कुछ रहा हूँ तू समझ कुछ रहा है और वो ही बोले चले जा रहा है, तुझे समझ नहीं आ रही प्यार की जबान? मैं अपनी जबान से एक बात बताऊँ बड़े प्यार से? क्या मुगले आजम अस्पताल से वापस आ गए? अच्छा क्यों, अलग में फंस गया? नहीं नहीं, उस दिन तुमने ही फोन किए थे ना? नहीं नहीं नहीं, तेरी जान की कसम मैंने नहीं। अपनी जान की परवाह करो भाई, ये कल की चाय लाया था, ले जा मैंने पी रहा,
पेट में गड़बड़ शुरू हो गई, गुड़गड़ाहट हो गई है। मेरा ख्याल है मेरे को चलना चाहिए। गड़बड़ तो मैं ठीक करूँगा। मैं चलता हूँ, चला जाए तो रास्ते में ना कुछ हो जाए, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो पापा, बिल देते जाना। मैं भी क्या ऐसे सीधे सीधे खड़े होके रो रही हूँ। सीन में तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना चाहिए। हमारी तोतली को फोन करती हूँ। तो तैती है, तुम रो रही थी ना उस वक्त? हाँ मैं अब भी रो रही हूँ मायू। मतलब क्यों, इतने तोल दिया दिल दूलता? यूं नहीं, कोई सैड सॉन्ग सुना। रुक क्यों गए हुमायूं? तत्तो, मुझे ना तुम ते बहुत प्यार हो गया। हुमायूं मैं बाद में बात करती हूँ, मैं दिल नहीं चाह रहा कुछ बात करने। जब तुम मेरे मुकाबले होते हो पूरा दिल की झरोखों से प्यार झांकने लगता है, वहशते मुंह मोड़ लेती है और मेरा रोम रोम नाचने लगता है। कितना सही मैंने बोला है, कहीं पे गलती नहीं की है, एकदम वही लाइन बोली है मैंने। देखा उस गधे को, मैं कह रही थी कि एक मर्तबा तुम्हें सामने लाके खड़ा करे, एक मर्तबा हुमायूं को ले आए। मैं कैसे फर लाइनें बोलती, फिर देखे वो। लेकिन वो कम कौन, ये अब्बा ही होंगे, हर बार रोमांस के बीच में आएंगे, जाने दुश्मन जो है हमारे। आ रही हूँ अब्बा। आ रही हूँ अब्बा। क्या मुसीबत है, आ गई हूँ। अरे कभी जल्दी भी आ जाए कर। आओ। तबीयत खराब होती है। क्या हो गया, खैरियत तो है? मेरे को वॉशरूम जाना है। क्या हो गया? वो है ना मुगले आजम, वो अस्पताल से आ गया, अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या? नहीं बाथरूम जाना, बाथरूम पेट खराब हो गया मेरा। जाकर मैं जा रहा हूँ। जब दरवाजा जल्दी जल्दी खोल दिया अगर, दरवाजा जल्दी खोल। ये अनारकली, बात सुन जरा, ये तू भाभी को क्या पट्टियां पढ़ा रही है आजकल? मैं क्या पट्टी पढ़ाती, हुआ क्या है? वो मुझसे शादी करने को कह रही है। कैसी बदकरदार औरत है, बड़े भाई के साथ निकाह में रहते हो, तुमसे शादी करने को कह रही है, तुफ है उस पर। अबे घटिया सोच तेरी है, वो मुझसे जिद कर रही है कि मैं अनारकली से शादी कर लूं। ओह अच्छा, तो तुम भी तो डिटेल में बताते ना। तो मुझसे यही कहा कि वो तुमसे शादी करने को कह रही है। अबे मुझे क्या पता कि तेरी अकल पर बिस्तर पड़े हुए हैं। और तुझे पता है ये तेरी ही हरकत है, जब से तूने घर में आना शुरू किया है ना, तब से भाभी कुछ ना कुछ समझ के ये मुझे कह रही है। सुनो, ये ना वो अपनी तरफ से कह रही है, खुद तो मेरे घर चलकर आई थी मुझसे ये कहने कि सुल्तान से शादी कर लो। ए अनारकली, मुझे थोड़ा सा टाइम दे हीरो बनने के लिए, मैं अभी शादी वादी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, खुद तो तुम जैसे एक दो हफ्ते में फवाद खान बन जाओगे, हिंदुस्तान चले जाओगे, वहाँ की फिल्मों में फवाद खान की तरह छा जाओगे। अच्छा चलो, तुम बस ये बता दो, इंडिया से मेरे लिए क्या लाओगे? तेरे लिए एक हिंदू ना ले आऊं वहाँ से मैं? हिंदू ले लिया,
अच्छा सुन तो लो, उस दिन तुम्हारी धुनाई हुई थी ना रात को, मतलब माफ करना, वो जो हादसा हुआ था उसे एक दिन पहले मुस्तकीम ने उस टेबल पर फोन मंगवाया था। अरे जल्दी कर दे जल्दी कर दे। तू चाहे दे उसको है? आ गए हो आ गए घर आ गए। अरे आ गए आ गए, आके बैठ भी गए, तू मुखबरी पे लगा हुआ के आ गए आ गए आ गए। अच्छे खासे गाने की बात लगा रहा है तू। ओह चाय पिला। अरे आज चाय मेरी तरफ से। तो फिर स्पेशल वाली पिला ना बिल्ली सी लगा के। हाँ हाँ पहले हाल चाल तो सुनाओ, कितना खर्चा हुआ अस्पताल में? ना याद दिला ना याद दिला यार ना याद दिला मेरे को। एक एक रुपया एक एक पैसा लिख रखा है मैंने, उस जलील आदमी को ढूंढूंगा और एक एक पैसे का हिसाब लूंगा, तो देखना बिल्ली सी लगा के। ढूंढे होंगे कैसे? हाँ यार ये सोच रहा हूँ मैं, ढूंढूंगा कैसे, यानी मैं शुरुआत कहाँ से करूँ तहकीकात की यार। वैसे एक बात जहन में आ रही है मेरे। अरे यार तेरे जहन में तो पता नहीं कितनी बातें आएंगी यार। अरे भाई मुझे चाय पिला दे, तू कहीं चाय पिलाना ना भूल जाए यार। अच्छा सुन तो लो, उस दिन तुम्हारी धुनाई हुई थी ना रात को, मतलब माफ करना, वो जो हादसा हुआ था उसे एक दिन पहले मुस्तकीम ने उस टेबल पर फोन मंगवाया था। हाँ हाँ वो कह रहा था कि ब्लीच लगा के तबीयत साफ करनी है। सच कह रहा है तू? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ईमान से ईमान से कसम खा। हाँ हाँ पर मुझे नहीं पता कि उसने फोन किए हैं या नहीं। अरे यार जब उसने फोन मंगवाया है वहां पे रखवाया है और उसने ये कहा कि भाई वो मेरी तबीयत साफ करेगा ब्लीच लगा के, तो उसने ही किए होंगे ना फोन, सारे उसने किए होंगे फोन, वही मेरे पीछे पड़ा रहता है ब्लीच लगा के। अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, चाय तो पी ले। चाय नहीं अब मैं उसका खून पीऊंगा, चैन जब ही आएगा जब मैं खून पीऊंगा उसका ब्लीच लगा। अरे, अरे एक एक चाचा बात सुन लो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए नहीं तो ना कुछ नहीं बताऊंगा। अबे तू नहीं बताएगा तो क्या मेरे पास लोग नहीं है बताने के लिए? बहुत लोग है मेरे पास ब्लीच लगा के, तू देखना कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मुगले आजम को छेड़ा है, तू देखियो तू देख। आय हाय 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 अरे अरे या हाँ छोड़ूंगा नहीं। गट्टो आजा बेटा आजा, देर हो रही है। आ गई अब्बा, ये आ गया नाश्ता भी आपका। का इतनी देर लगा दी तूने? लो भाई ठीक है, चाय भी रखी? हाँ बन चुकी है अब्बा। लो पराठा बना दिया। अरे मैं पराठा नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में पहले से ही दर्द चल रहा। पता है मुझे क्यों दर्द हो रही है? क्यों? मुगले आजम को पता चल जाएगा तो क्या होगा उसके लिए ना? इस बात का मुगले आजम को पता चले तो बेशक पता चले, अब के अगर उसने कोई शरारत की ना तो वो हशर करूंगा कि रहती दुनिया तलक याद करेगा वो। क्यों अब्बा क्या मसला है, क्यों आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा करते रहते हैं? शुरू दिन से मेरी और उसकी जो है ना ईंट और कुत्ते का बैर चल रहा। ईंट और कुत्ते का बैर? इस मुहावरे में तो ना ईंट की जगह पत्थर होना चाहिए, क्योंकि ईंट इतनी भारी होती है उठाते उठाते तो कुत्ता इंसान को काट भी चुके। अच्छा अब ईंट को भी छोड़ कुत्ते को भी छोड़, वो शॉपर एक दिया था तुझे मैंने जिसमें कुछ मोरे थी, वो संभाल के रखी भी है? हाँ रखी है रखी। सुन ले उठा ले, हो सकता है हुमायूं सईद का हो। मैं तुम नाश्ता करो ना,
तो सोनिया का है। हाँ बोल सोनिया। एक कट्टो, तुझे खबर सुनाऊं? अब पता नहीं तुझे खबर सुनकर खुशी होती है या नहीं होती। हाँ जल्दी बोल यार, मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, फटाफट कर। तुझे पता है नीलोफर अपना घर छोड़कर इस मोहल्ले से जा रही है। क्या ये तो सच कह रही है? हाँ चल ठीक है, तू जल्दी आ जा यार, और जल्दी से आके मुझे सारी तफसील बता जा। ओके जबरदस्त। क्या हुआ क्या हुआ? और कितनी देर लगेगी भाभी? चोरी होगा कहा, सुनाई ना देवे, कानों में रूठ होसली। देख नहीं रहे चूल्हे पे पराठा चढ़ा हुआ, एक पे चाय बना रही हूँ। तो ठीक है, चूल्हा तू इस्तेमाल करो, तुझे मुझे करेंगे। मुझे 1.5-2 घंटे लगेंगे, उसके बाद आना। अरे बवर्ची खाने पे किसी के बाप का नाम नहीं लिखा हुआ, यही लाग लगा लगा के तूने फुफ्फो को 8-8 टांग उड़ाए, पर मैं फुफ्फो ना हूँ। तो तू क्या कहीं से लाड़ साहब लगा हुआ है? जो हूँ सो हूँ, पर बेइंसाफी ना होने दूंगा, सीधी सीधी तरह चल, नहीं तो नहीं तो क्या चिमटा खींच के तेरा सर खोल दूंगी। बुलाओ तेरे भाई को। अरे तो बुला ना, मैं भी तो देखूं। जुगनू, जुगनू इधर आ, जल्दी आ, जुगनू, जुगनू। क्या बात है, बड़ी खुशबूश है। हाँ बहू, मैंने ना मन्नत मांगी थी, वो मन्नत पूरी हो गई है, तो अब मैं ना जर्दा बनाकर पूरे महल्ले में बांटूंगी। कौन सा जर्दा? वो जो पान में डाल खाते हैं? तुम नाश्ता नहीं करना है, चलो मैं लेकर जाती हूँ। अरे बाद में पका लेना, तेरी मेहरबानी, मुझे मुझे मन्नत माननी पड़ जाएगी। वो ढूंढ दे, वो शॉपर ढूंढ दे, मोरे ढूंढ दे। अरे अब ढूंढूंगी ना, पहले मुझे जर्दा तो बनाने दो। अरे जर्दा मैं बाहर से खरीद के तेरी तरफ से मैं बांट दूंगा, तू मोरे ढूंढ दे। हाय अब्बा, इतना जर्दा तो पैसों का आएगा। अरे तो पैसों की क्यों फिक्र कर रही है, मैं बाहर से ही खरीद के बाहर ही बांट दूंगा। छोड़, तू मुझे वो शॉपर ढूंढ के दे दे। अच्छा चलो ठीक है, मैं ढूंढ देती हूँ, ये भी साथ ले जाती हूँ। जल्दी कर, देर ना करना। हाँ मैं वो भी ले आती हूँ, चाय भी ले आती हूँ तुम्हारी। जल्दी करना, तूने मेरा कच्चा पराठा भी उतार दिया। अरे कुछ नहीं होता, 2 मिनट सबर कर जा, कोई मरे जा रही। अबे तारा क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? अरे शोर मैंने नहीं, थारी जोरों ने मचा रखा है, समझा इसे। आते ही दंगा फसाद शुरू कर दिया। हाँ ना, तो फसाद तू करेगा तो दंगा तो मैं भी करूंगा। देख जुगनू मुझे क्या कह रहा है, किचन तेरे बाप का नहीं, निकल यहाँ से। अरे झूठ क्यों बोल रही है भाभी, सारी तो आदत है। अरे फुफ्फा मोहताज है, वो तो भूखी बैठी तकती रहती है, पर मारे दोनों हाथ सलामत है, देख लो। नहीं तो तू क्या करेगा? अरे सारे तो कुछ नहीं कहूंगा, पर तू आ जा दंगल में, आ जा ना, दो दो हाथ कर लेते हैं। चल आजा फिर, इधर पहले नाश्ता बना ले भाई, खाली पेट नहीं लड़ा जाता मुझसे। आजा, तुम्हें तो हमेशा अपने पेट की पड़ी रहती है, ऐसा नहीं बीवी की इज्जत रख लो तुम। अबे तेरी खातिर मार खा लूं मैं सुबह सुबह बगैर नाश्ते के। वो चूल्हा इस्तेमाल कर, इसको मत हाथ लगाइयो। अबे साइड पे होके खड़ा हो। हाँ साइड पे खड़ा हूँ, वो तेरा ये मेरा। खाली पेट मैं नहीं लड़ता, इसलिए मेरे मुंह मत लगियो, चल पहले हो। इसीलिए समझा रहा हूँ तुझे। आ रहा हूँ। वो छुरी के नीचे दम ले। बिल्कुल ठीक हूँ यार, असल में सुबह सुबह तेरी बहुत याद आई मुस्तकीम भाई, तेरी बड़ी याद आई मुझे, मैं ब्लीच लगा के फौरन चलाया यहाँ पे। बगैर ब्लीच लगा के आ जाते? मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए आने ही वाला था। हाँ मुझे लोगों ने बताया कि वो आ गया है। हाँ यार, हालांकि डॉक्टर इतनी जिद कर रहे थे कि रुक जाओ अस्पताल में, रुक जाओ यार, रुक जाओ। तो रुक जाते 15-20 दिन और यार, यंग डॉक्टर ने कोई तो उनकी बात सुन ले। अब देखो यार, बात यह है कि अस्पताल में जो है ना, डॉक्टरों का भी कसूर नहीं है यार। किसका? जिसने मुझे जलील आदमी ने पिटवाया है ना, उसने पिटवाया ही इतना है मुझे कि मैं अस्पताल में बहुत दिनों तक रहूं, है ना। लंबी प्लानिंग थी, लंबी। अब तुझे पता है कि अस्पताल का खर्चा कितना होता? अरे मैंने तो सोर्स लगाई, इससे कहलवाया, उससे कहलवाया, अरे जब जाके मुझे छुट्टी मिली और मैं यहाँ पे आया हूँ ब्लीच लगा के। जिसने पिटवाया है वो शायद खर्चा कराने के लिए पिटवाया होगा, लग रहा है मुझे अंदाजा। वैसे मुझे पता नहीं चल रहा यार, क्या कौन हो सकता है मुझे, किसने पिटवाया? पूरा मोहल्ला है? मेरा मतलब पूरा मोहल्ला तो तेरी फेवर में है, कौन पिटवा सकता है? देखो
तलाश जारी है। पिटवाया है जिसने, बहुत जुनाई करवाई है मेरी यार। छोड़ना, दफा करना, हम है ना तेरा ख्याल रखने वाले। आओ बैठ के चाय पीते। चाय पी? नहीं नहीं, क्यों? चाय यहाँ घर पे नहीं पियेंगे। वही यार बाकड़े पे बैठ के होटल में। नहीं नहीं, बाकड़े वाकड़े नहीं यार, वही पियेंगे चाय। समझा करे, वहाँ जो पिया चाय पीने का मजा ना, ब्रिज लगा के। चल ना फिर, यूँ करके तू चल, मैं आया। अब नहीं नहीं, तू चल, मैं आया, तू चल, मैं आया। आ जाना, चल यार आ जा। आप पहुंचोगे? अभी बैठे नहीं होगे, मैं आ जाऊंगा ऊपर से। आ जाइए ना, इंतजार कर लो, तखत पे बैठ के चाय साथ पिएंगे। करो करो, चलो भाई, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल चले जाओ, तखत पे ऐसे बैठियो जैसे सचमुच का मुगले आजम बैठ। अल्लाह हाफिज, दफा हो। शुक्र है उसने मुझे खूबसूरत बोलकर खुद को भी खूबसूरत कहलवाया। अगर वो मुझसे ये कहता कि उसे मुझसे प्यार है तो मैं भी उससे यही कहती, मुझे भी उससे प्यार है। शक्ल का तो अच्छा हासा है, बस थोड़ा हुलिया और अपना लहजा ठीक कर ले तो फाइनल है। You're ready, sweetie. Let's go. ठंडा पानी तो पिलाइए, थोड़ा सा ब्लीच लगा के। अच्छा, डॉक्टर ने ज्यादा चलने फिरने से मना किया हुआ है। कहाँ चले गए थे तुम? अरे होटल गया था, होटल। उसके बाद गया मैं कीमे के घर, और फिर कीमे के घर से फिर होटल गया, और वहां से फिर यहाँ चला आया। इतनी लंबी परेड? तुम तो कह के गए थे कि बस जरा होटल जाऊंगा और जरा सी सुनगुन लेकर आ जाऊंगा। अरे तो सुनगुन लेके आया हूँ मैं, सुनगुन और जरा सी नहीं, पूरी पक्की इतना लेके आया हूँ बिलिच लगा के। किसने पिटवाया था? कीमे ने पिटवाया है। तुम तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गए हो मुस्तकीम भाई के। भाई नहीं कहना इसको, बोल रहा हूँ मैं। भाई ना बोलूं तो और सगा बोलूं? मेरा मतलब है कि वो भाइयों जैसा नहीं है, कसाइयों जैसा है। इसने होटल पे बैठ के होटल के फोन से सबको फोन किए थे। तुम्हें कैसे पता? होटल के पैसे से उसने फोन मंगवाया एक टेबल पे, और पैसे से कहा कि देखना आज मैं मुगले आजम की कैसी तबीयत साफ कर दूंगा ब्लीच लगा के। हाय अल्लाह, वैसे वाकई में ना सही तबीयत साफ की थी उन्होंने ब्लीच लगा के। अब देखियो तू गुलनार के मैं बदला कैसे ले हूँ इससे ब्लीच लगा के, ये देखियो। बस ये सिलसिला तो फिर इसी तरह जारी रहेगा। मुझे तो लगता है कि उन्होंने भी तुमसे बदला लिया है। तुमने कट्टों के ऐप निकाले, उन्होंने तुमसे बदला लिया, अब तुम उनसे बदला लोगे, फिर वो तुमसे बदला लेंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं नहीं करूंगा माफ। ऐसा बदला ले मकीमे से कि देखना सारे मोहल्ले से मूछ पटा फिरेगा ब्लीच लगा के। वो पानी वहां रख दिया, मुझे नहीं दिया कि मैं पी लूं। तो पी लो, उठा के हाथ टूटे तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम। जरदा है जरदा, दुआ करें। वाह, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तू तो पान खाती नहीं होगी, तो ये जरदा ना किसी ऐसी खातून को दे देना जो पान खाती हो। अंकल आप ये तंबाकू क्यों बांट रहे हैं? बेटा कट्टो ने मन्नत मांगी थी, तो अल्लाह ने उसकी मन्नत पूरी कर दी, तो उसने कहा कि मैं ये जरदा बांटूंगी। तो दिन भर काम इतने करती है वो, मैंने कहा तू काम कर, मैं ये खुद बांट देता। उसने ये जरदा बांटने को कहा था? मैंने उससे पूछा था पान वाला जरदा, कहने लगी मैं बांट रहा हूँ। अच्छा बेटा
अभी और बहुत से लोग बैठे हुए होंगे नशे के लिए, मैं चलता हूँ। मैं अल्लाह हाय, अब तो वसीफे की बरकत से मैं ओरिजिनल हुमायूं सईद के करीब पहुंचने लगी हूँ, उसकी ऑफिस भी जाने लगी हूँ। लेकिन क्या ही होता कि मैं ऑडिशन में पास भी हो जाती, अगर क्या पता वो मुझे हुमायूं वाले किसी ड्रामे में उसकी हीरोइन ले लेते। हाय, अब इस सेट पर ना एक्टिंग के बहाने दोस्ती होती, दोस्ती के बहाने प्यार होता, और प्यार के मगर मैं तो ना ऑडिशन में फेल हो गई। अब किस बहाने जाऊं मायूं से मिलने, समझ ही नहीं आ रही ना। ये अल्लाह के रास्ते सुझा दे। हे सोनिया, तू आ गई? हाँ। अच्छा भाई यार, चलना मेरी मदद करवा दे थोड़ा सा, मुझे ना जाना है हुमायूं के ऑफिस। आज क्यों जाना है भाई? मैं क्या बताऊं, हुमायूं भी ना हर वक्त मुझे बुलाते रहते किसी ना किसी बहाने, चैन चोरी पड़ता उन्हें। तो जो कल ऑडिशन दिया था तूने, उसका क्या बना? उसका तो पूछ ही मत तू। बता ना, मैं तो मरी जा रही हूँ सुनने के लिए। अच्छा भाई, हुमायूं ने ना तो कल हद ही कर दी। हुआ यूं कि डायरेक्टर ने हुमायूं को खुश करने के लिए मुझे देखते ही कहा कि इन्हें तो ऑडिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो टैलेंटेड लगती है शक्ल से। मगर मैंने कहा नो, नहीं, मैं तो बिल्कुल ऑडिशन दूंगी, हक से करना चाहिए भाई। तो फिर मैं सेट पे गई, लाइट्स ऑन हुई, कैमरा मुझ पर आया और डायरेक्टर ने बोला एक्शन। शॉर्ट करके बताओ मुझे। तो मुख्तसर में ये कि जब मैंने अपना डायलॉग खत्म किया ना, तो वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे ना, सब ने मेरे लिए ताली बजाना शुरू कर दी, और डायरेक्टर ने कहा कि आप हमारे ड्रामे की हीरोइन का रोल कर लें। उतने में हुमायूं सईद सेट पर आ गए, और फिर तो ना उन्होंने हद ही पार कर दी, हद ही पार कर दी। क्या किया उन्होंने? सबके सामने गले लगा लिया? और नहीं हुए, अब ऐसे भी ना करें वो। लेकिन वो कहने लगे कि ये हीरोइन नहीं बनेगी क्योंकि ये मेरी इज्जत है और घर के चिराग को शमा महफिल नहीं होना चाहिए, और यूं मैं ड्रामे में नहीं आ सकती। तो ये तंबाकू क्यों बांटती फिर रही है? फिर इतना जोर से क्यों बोल रही है? कौन से तंबाकू? मेरे कहने का मतलब था कि मुस्तकीम अंकल पूरे मोहल्ले में ये तंबाकू बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि कट्टो ने मन्नत मानी थी। हाय हाय हाय, अब्बा अब्बा, ये जरदा थोड़ी था यार। अब्बा बिना क्या करते फिरते हैं? क्या है, कौन सा तंबाकू है ये? तंबाकू है, सबको बांट रहे हैं। पता नहीं कहां से पहुंच गए होंगे अब तक तो। हाय। अबे आज क्या सुबह ही सुबह आ गई है? अभी तो काम पे आया हूँ मैं। देख लो, ये दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। सुबह सुबह क्या बोल रही हो, क्या फरमा रही हो? अब्बा ना हॉस्पिटल से वापस आ गए, और रात को मुझे तुम्हारी बातों से ये लग रहा था कि तुम पतली गली से निकलना चाह रहे हो, और मैं भी कोई बेटी गंगा नहीं हूँ जिसमें हाथ धो और निकल पड़ो। बड़े मुहावरे बोल रही हो आज तो तुम, खैर है? बात घुमाने की कोशिश मत करो, समझे? अच्छा फर्ज करो मैं तुम्हारे घर तुम्हारे अब्बा के पास तुम्हारा रिश्ता मांगने आता हूँ, वो क्या मुझे सपोर्ट करेंगे? रहेगी तो मेरी यही ज्वेलरी शॉप ना, तेरा तेरे बच्चों का कल को बोझ मेरे ऊपर मजीद पड़ जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा मेरा करियर? गया ना बाढ़ में। देखो जिन लोगों की किस्मत में बड़ा करियर नहीं होता ना, उनको अगर ससुराल वाले फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें तब भी उनका कुछ नहीं बन पाता, और जिन लोगों की किस्मत में अपग्रेड होना लिखा होता है उनको ससुराल वाले सपोर्ट करें या ना करें, किस्मत जरूर सपोर्ट करती है। बात तो तू ठीक ही कह रही है। अब अपनी कट्टो को ही देख ले, कहां गीदर कालोनी की कट्टो, कहां हमायूं सईद के। ओए तू मेरी बात सुन, आराम से बैठ। मैंने कहानी लिखी है जिसका नाम है कुत्ता और पत्थर। वाओ, ये तो मंटो के अफसानों जैसा अनवान है। जी जी, वही तो ड्रामा में मेरे उस्ताद हैं,
उन्हीं से तो सीखा है मैंने सब कुछ। क्या सादत हसन मंटो जिंदा है? एक और बात बोले? बोलो। तुम हमसे शादी कर? क्या ये तो मुस्तकबिल की लौंडिया है ना।